कोई भी स्ट्रिंग आप करेंगे, आपने स्ट्रिंग लिखी ए बी सी, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ए को कंसीडर करते हैं, ये ए है, दिस इज सब स्ट्रिंग। अगर आप ए बी ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ही कंसीडर कर रहे हैं, ए बी इज ऑल्सो अ सब स्ट्रिंग। अगर आप पूरा ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी जो है वो आप सब स्ट्रिंग कहलाएगा, तो ये भी आपका सब स्ट्रिंग हो गया। ये आपके पास एंडिंग पॉइंट से हो सकता है, सी जो है दैट इज सब स्ट्रिंग। सी बी सी ले लें आप, तो ये जो है ये भी सब स्ट्रिंग है। या आप ए बी सी ले लें तो वही बात हो जाएगी। या आप सिर्फ बी को कंसीडर कर लें, बी इज सब स्ट्रिंग, बी भी आपकी जो है तो सब स्ट्रिंग कहलाएगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब स्ट्रिंग, यानी कि आप जो मेन स्ट्रिंग है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे छोटी उस स्ट्रिंग का कोई पार्ट जो है वो उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग कहलाएगा, और एट द मोस्ट जो पार्ट है वो उस स्ट्रिंग के ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर हो सकता है, वो भी सब स्ट्रिंग हम उसको कह देते। जैसे आपका सबसेट के लिए था, ये दोनों सेट बराबर हैं तब भी हम कह सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। वैसे हम यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग अगर बराबर हैं तब भी कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे की सब स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे ए बी सी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो ए बी सी इज सब स्ट्रिंग ऑफ ए बी सी, ठीक है। अपने आप की सब स्ट्रिंग हो सकती है, अपने आप की भी सब स्ट्रिंग कहलाएगी। सब स्ट्रिंग का मतलब है कि जो जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं उसके सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग में आपको मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट प्रॉपर सब स्ट्रिंग, प्रॉपर की आपकी सब स्ट्रिंग ही नहीं कहलाएगी। अगर मान लीजिए जो हमारे पास स्ट्रिंग थी और उसमें लेंथ इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, कि आप कह रहे हैं ए बी सी आपके पास स्ट्रिंग है और आप कहें कि हमारा डी जो है वो इस डी सब स्ट्रिंग ऑफ दिस ए बी सी, तो ये आपकी सब स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी। रीजन कि इसमें डी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। या आप कहेंगे ए बी और डी, ये तो आप जब इसका पहला करेक्टर मैच करेंगे फाइन मैच, दूसरा करेक्टर मैच करेंगे, ए बी सी से हम कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा करेक्टर मैच कर गया इसके, इसे भी आप कह सकते हैं हाँ ये भी ठीक है। उसके बाद आप अगला करेक्टर मैच करेंगे, जहां पर मिस मैच हो जाएगा वहीं पर आप स्टॉप करके बता सकते हैं कि हाँ दिस स्ट्रिंग इज नॉट सब स्ट्रिंग ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है, कि आपकी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग नहीं है। अब आप प्रीफिक्स पे आइए। प्रीफिक्स सफिक्स आपको मैं बता रहा था कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, जो स्ट्रिंग के यानी कि आपका स्टार्टिंग में जो सब स्ट्रिंग लगी हुई है उसे आप प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो एंड है वो सफिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने कल आपको लैम्डा की डेफिनेशन दी थी। लैम्डा इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई आपकी। एम्प्टी स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के आप आगे या पीछे कहीं पर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवर स्ट्रिंग इज ए बी सी, लैम्डा इज एम्प्टी स्ट्रिंग, आप कह सकते हैं लैम्डा हमारा स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग में लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप इसे आगे लगा दें तो भी आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स दिस लैम्डा इज सफिक्स ऑफ दी सॉरी प्रीफिक्स ऑफ दी स्ट्रिंग, ठीक है, ये आप कह सकते हैं लगा हुआ है। या आप इसे एंड में लगा दें लैम्डा को, तब भी कोई आपकी स्ट्रिंग के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे स्ट्रिंग का सफिक्स भी कह सकते हैं। तो लैम्डा जो है वो बाई डिफॉल्ट हर स्ट्रिंग के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का काम करेगा, क्योंकि इसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। बाकी आप जो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इस
से एग्जांपल में या आप दूसरा ले ली, यहाँ कोई कंसिडर कर रहे हैं W U R T Y, ये सपोज आपका, तो इसमें Q जो है वो Q से स्टार्ट हो रही स्ट्रिंग, आप अगर इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दें यहाँ से, इस पॉइंट से ब्रेक कर दें, तो एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग आपकी Q हो जाएगी और एक WERTY हो जाएगी, तो आप इसे कहेंगे दिस इज योर प्रीफिक्स और ये जो बचा ये सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। क्यू डब्ल्यू आर टी वाई लिखा हुआ था, आपने उसको इस तरह से ब्रेक कर दिया कि क्यू एक पार्ट हो गया स्ट्रिंग का और डब्ल्यू आर टी वाई दूसरा पार्ट हो गया, क्यू आपका प्रीफिक्स हो गया और डब्ल्यू आर टी वाई सफिक्स हो गया। अब आप इसको किस तरह से बांट सकते हैं, बांट आप किसी भी तरह से सकते हैं, यू कैन You can write, आप दो करेक्टर इधर कर दें, क्यू डब्ल्यू इधर कर दें आप, ये एक पार्ट हो गया और ई आर टी वाई इधर कर दें, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या आप तीन करेक्टर कर दें क्यू डब्ल्यू ई, तीन इधर हो गए प्रीफिक्स में और आपके पास बचा आर टी वाई, ये सफिक्स में हो गए, तो आप इस तरह से भी अपनी स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है W, ठीक है, इसको आप दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा में भी कर सकते हैं, या ये डेफिनेशन के ऊपर है कि हम जो डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें अगर दो पार्ट में आप डिफाइन कर रहे हैं देन दिस इज डेफिनेटली पहला पार्ट है वो प्रीफिक्स कहलाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो सफिक्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आप किसी स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करें तो जो पहला पार्ट है वो प्रीफिक्स हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो सफिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें लेंथ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा प्रीफिक्स हो सकता है, कितना बड़ा सफिक्स हो सकता है, आप पूरी होल स्ट्रिंग को प्रीफिक्स ले सकते हैं और सफिक्स में लैम्डा को छोड़ सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर केस देख रहे हैं। पूरी स्ट्रिंग को ही जो है वो सफिक्स प्रीफिक्स बना दिया और सफिक्स के लिए लैम्डा को छोड़ दिया। अगर आप इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर दें यू विल गेट द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। आप इन्हें कंबाइन करें तब भी आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलेगी, इन्हें कंबाइन करें तब भी आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलेगी, इन्हें कंबाइन करें तब भी आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर कंबाइन कर देते हैं यू विल गेट द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये है। और पहले केस में आपने क्या किया कि लैम्डा को प्रीफिक्स रख दिया है, यानी कि स्टार्टिंग में आपने कोई कैरेक्टर नहीं लिया है, ब्लैंक स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग लिया और सफिक्स में जो है वो पूरी स्ट्रिंग को ले लिया, तो सफिक्स आपका और प्रीफिक्स और मेन स्ट्रिंग तीनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गए, ऑलमोस्ट क्या बल्कि आप कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, ठीक ए बी बी ए बी, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, आप अगर उसका प्रीफिक्स निकालते हैं तो आप लैम्डा को प्रीफिक्स रखकर पूरी स्ट्रिंग को सफिक्स बना सकते हैं, या पूरी स्ट्रिंग को प्रीफिक्स बनाकर लैम्डा को उसका सफिक्स बना सकते हैं। बाकी इंटरमीडिएट स्टेप में आप कोई सा भी रख सकते हैं, एक करेक्टर ले सकते हैं, दो करेक्टर ले सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। स्ट्रिंग के ऊपर और जो दूसरे ऑपरेशन हो सकते हैं वो ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए, आप देख सकते हैं कि W टू द पावर n, यानी कि आप W की पावर जो है वो कैलकुलेट करवा रहे हैं। ये जो आपका स्ट्रिंग है डब्ल्यू सी डब्ल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं डब्ल्यू टू द पावर एन। डब्ल्यू टू द पावर एन का मतलब क्या होगा कि डब्ल्यू प्लेस्ड एन टाइम्स कंसेक्यूटिवली, डब्ल्यू को अगर आप एन टाइम्स प्लेस कर दें कंसेक्यूटिवली तो ये हमारा डब्ल्यू टू द पावर एन हो गया, यानी कि डब्ल्यू के एन अक्रेंसेज आपने जो है वो बना दिए,
एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सपोज आपकी स्ट्रिंग थी, इसकी पावर अगर आप दो करते हैं तो ये स्ट्रिंग आपकी दो बार आ जाएगी। ये यही स्ट्रिंग आपकी रिपीट हुई, दो बार आ गई। अगर आप इसकी पावर जीरो करते हैं, डब्ल्यू टू दी पावर जीरो, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा, ये आपका लैम्डा हो जाएगा। और अगर आप जो है वो कोई भी स्ट्रिंग है, डब्ल्यू की पावर, ये तो इन जनरल डेफिनेशन है, ये आप स्ट्रिंग ले रहे हैं और इसकी पावर आपने जीरो कर दी, कितना हो गया, एम्प्टी लेंथ यानी जीरो लेंथ की स्ट्रिंग बन गई। जैसे आपने देखा होगा नंबर्स में, अगर आप कोई भी नंबर है टू टू द पावर जीरो करें तो कितना हो जाता है, वन हो जाता है। आप एक्स टू द पावर जीरो कर दें कितना हो जाता है, वन हो जाता है नंबर्स के केस में। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, ये ए बी बी ए चार कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, इसकी पावर आपने जीरो कर दी, देन विल गेट दी एम्प्टी स्ट्रिंग और लैम्डा। अब ये एक आपका ऑपरेशन है स्टार, स्टार ऑपरेशन का काम क्या है, आपके पास सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अल्फाबेट सिग्मा। ठीक है, सिग्मा स्टार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टार ऑपरेशन है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो स्टार ऑपरेशन है वो काम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा आपका अगर अल्फाबेट का सेट है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेट की कोई आपने लैंग्वेज कंसीडर की है, इस लैंग्वेज में दो अल्फाबेट है ए और बी, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो लैम्डा सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा विल बिकम ए टू जेड, आपके पास ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर, जो हम सेट ऑफ अल्फाबेट्स कंसीडर कर रहे हैं उस सेट ऑफ अल्फाबेट में हमारे पास दो अल्फाबेट है दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपके पास जो सिग्मा है उसमें ए से लेकर जेड तक के सारे कैरेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिफाइन क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अल्फाबेट सेट सिग्मा। सिग्मा से जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उन सबको हम कह रहे हैं सिग्मा स्टार। तो अगर हमारे पास सिग्मा ए बी है तो सिग्मा स्टार में क्या हो सकता है कि हमने ए बी में से कोई भी पार्ट नहीं लिया, एक भी अल्फाबेट नहीं लिया, तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। आप सिर्फ ए को ले सकते हैं, ये भी आपके पास स्ट्रिंग है, बी को ले सकते हैं, या इनके कोई भी कॉम्बिनेशन आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपने ए ए ले लिया, ए बी ले लिया, बी ए ले लिया, बी बी ले लिया, ये दो लेटर के सारे वर्ड हो गए, उसके बाद आप तीन लेटर के वर्ड कंसिडर कर सकते हैं, आपने डबल ट्रिपल ए ले लिया, डबल ए बी ले लिया, इस तरह से आप कितने कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे आप भी पिछली स्लाइड में देख रहे थे यहाँ पर डब्ल्यू टू द पावर एन, इट मीन्स एन नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, इस स्ट्रिंग के एन अकरेंसेस हैं तो एन टाइम्स आ सकती है। स्टार जो हमने कह दिया यहाँ पर स्टार में, अब ये इनफाइनाइट अकरेंसेज हो गए, आप कितने भी अकरेंसेज इससे कंसिडर कर सकते हैं। ये जो लेटर्स हैं इनके अकरेंसेज, यहाँ पर हम जो लेटर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ये और भी आपके पास लेटर्स हैं, इन लेटर्स में जो ए है वो कितनी बार भी आ सकता है, बी है वो कितनी बार भी आ सकता है, तो आप सारी स्ट्रिंग्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं जो ए और बी से मिलकर बनी हुई है। आप एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी लैंग्वेज भी कोई कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसीडरिंग आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर ये ले सकते हैं कि सिग्मा जीरो और वन, बताइए सिग्मा स्टार क्या होगा, व्हाट विल
बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्टार, अगर आप अपना जो इनपुट सेट है यानी कि जो अल्फाबेट सेट है उसको 01 कंसीडर कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्टार? सर लैम्डा 0101, फिर 01, फिर 10, फिर 11, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली हियर। ऊपर तो इसलिए एग्जांपल में दे दिया ना कि हम जो स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं आपके यहाँ पर सिग्मा स्टार में क्या जाएगा आपके पास, सही बता रहे हैं वैसे आप पैटर्न ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं लैम्डा आ जाएगा, नो स्ट्रिंग, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब आपके पास जीरो और वन के कोई से भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऊपर शो किया अपने स्लाइड में कि जीरो जीरो हो गया या 01 हो गया या 10 हो गया या 11 हो गया, ये दो करेक्टर की यही पॉसिबिलिटीज हैं। सिंगल लेटर अगर आप कंसीडर करें तो आपकी स्ट्रिंग सिर्फ 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, अगर आप दो लेटर की स्ट्रिंग कंसीडर करें तो आपके पास 00, 01, 10 और 11 यही चार पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और स्ट्रिंग नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप तीन लेटर की कंसीडर करें तो उसमें आपके पास हो जाएंगे 000, और इनमें अभी हम ऑर्डर से लिख रहे हैं लेकिन आप आउट ऑफ ऑर्डर लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज सेट, तो आप कोई सा भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको इस बात में परेशान होने की या सोचने की जरूरत नहीं लिखते वक्त कि इन्हें आप 00 पहले आएगा फिर 10 आएगा, आप कोई भी नंबर पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मैं हम 0 और 1, 2 की बात तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, पहले 1 की स्ट्रिंग हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, यानी कि एन नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप इसे ये भी बना सकते हैं 0, 1, 0, 1, 1, 0, ये भी आपके पास कोई स्ट्रिंग होगी, इसमें अलग लेंथ है। सो व्हाट दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि आपकी जो बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी सेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी बाइनरी नंबर जो है वो आपका सिग्मा स्टार के बाहर नहीं होगा, इज दैट क्लियर? ये आपका सिग्मा, आप 01 ले रहे हैं तो अगर आप सिग्मा स्टार कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा स्टार इज द बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सारे बाइनरी लैंग्वेज के लेटर्स या वर्ड्स जो है उसमें आ जाएंगे, ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और ऑपरेशन है एंड दैट इज कॉल्ड सिग्मा प्लस, अनदर ऑपरेशन, ये भी नाम भी आएंगे, अभी आप ऑपरेशंस को समझ लीजिए, ये आपका सिग्मा प्लस, सिग्मा तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ये सिग्मा प्लस, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, सिग्मा स्टार के साथ भी यही था, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अल्फाबेट सेट एल सिग्मा एक्सेप्ट नल कैरेक्टर, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस, क्योंकि जो हमने सिग्मा स्टार डिफाइन किया वहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, वहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग भी पॉसिबल थी, यहाँ पर क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा जो स्ट्रिंग बचेंगी वो आपकी सिग्मा प्लस का पार्ट हो जाएंगे, यानी कि सिग्मा प्लस की लेंथ जो है वो एटलीस्ट 1 होगी, सिग्मा प्लस में जो आप स्ट्रिंग्स देख रहे हैं उनमें लेंथ एटलीस्ट 1 है, जबकि सिग्मा स्टार में आपकी लेंथ जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आप रख सकते हैं, इन्फिनिटी एक्जैक्टली यूज नहीं करते, वो आप जो भी वर्ड यूज करें उसमें कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, जस्ट टेलिंग कि आपके पास एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पर सिग्मा स्टार में कंटेन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, अगर आप 0 कैरेक्टर ले रहे हैं तो आपके पास सिग्मा ये लैम्डा बन जाएगा, अगर आप एक लेंथ की ले रहे हैं तो ये बन जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये आपका जो सिग्मा प्लस है उसमें कौन सी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसमें वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जो सिग्मा स्टार में थी माइनस लैम्डा, और उसमें से आपने लैम्डा माइनस कर दिया, अगर आप लैम्डा हटा देते हैं देन यू विल गेट दिस सेट, ये आपके पास जो सेट के एलिमेंट्स हो गए वो ये रह गए, ए है, बी है, ए है, यानी एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स हैं, दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स हैं, तीन कैरेक्टर की स्ट्रिंग्स हैं, ये सारी स्ट्रिंग्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसमें से जो लैम्डा था वो हटा दिया गया, तो लैम्डा में स्ट्रिंग लेंथ आपकी जो है वो 0 है, जबकि 0 लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो सिग्मा प्लस में अलाउड नहीं,
लैंग्वेज के ऊपर आएगी, तो इसी चीज को हम लैंग्वेज कहते हैं। अभी मैं आपको बताया तो बाइनरी लैंग्वेज, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर दिस लैंग्वेज, आप जिसको लैंग्वेज कह रहे हैं ये हो जाएगी। लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज इज एनी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, जो आपने सिग्मा स्टार डिफाइन किया था लैंग्वेज जो है वो उसी का सबसेट होगी, यानी कि सारे स्ट्रिंग होना जरूरी नहीं है, कुछ स्ट्रिंग उसकी जो है वो लैंग्वेज में होंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए, अगर सिग्मा जो है वो आपका ए बी है, ए और बी उसमें दो लेटर्स हैं, सिग्मा स्टार में क्या हो गया ये सारे लेटर्स जो है वो सिग्मा स्टार है और इसमें डॉट लगाओ, यानी कि आगे आपके और भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये तो सिग्मा हो गया और सिग्मा स्टार हो गया, तो आपके पास लैंग्वेज क्या हो सकती है, योर लैंग्वेज में भी ओनली एम्प्टी लैंग्वेज, नो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ जीरो, आपके पास जो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज बचेगी वो सिर्फ लैम्डा हो सकती है। आप कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज ये है, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ सिग्मा स्टार, आप देख सकते हैं दिस इज सबसेट, ए यहाँ है और ए यहाँ है, डबल ए यहाँ है, डबल ए यहाँ है, और डबल ए बी भी यहाँ होगा, ठीक है आप यहाँ बनाया नहीं, ए ए और बी, ये भी आपका सिग्मा स्टार में होगा और वो आपका यहाँ पर भी सिग्मा स्टार में है और ए भी आपका इस सेट में है। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये भी सिग्मा स्टार का सबसेट है, सो दिस इज ऑल्सो वन लैंग्वेज, ये भी आपकी लैंग्वेज जो है वो हो जाएगी। तो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो भी सिग्मा स्टार का सबसेट है दैट इज लैंग्वेज, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, आप अगर इंग्लिश के टर्म्स में कंसिडर करें, मान ली अगर आप इंग्लिश बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपके पास सिग्मा क्या हो जाएगा, सारे लेटर्स आ जाएंगे ए टू जेड, सिग्मा स्टार में क्या होगा, इट विल कंटेन ऑल द वर्ड्स जनरेटेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेटर्स, आपके पास जो वर्ड्स हैं वो सब इन्हीं लेटर्स से मिलकर बने होंगे, तो सबसे पहला आपका लैम्डा आ जाएगा, फिर सिंगल लेटर के अगर आप कंसीडर करें तो ए बी सी, ए से लेके जेड तक के आपके पास सारे वर्ड्स आ जाएंगे, फिर आप अगर डबल लेटर के वर्ड लेते हैं तो आपके पास ए ए ए बी, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, बट दीज आर नॉट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, अगर आप इन्हें देखें ये सब जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं, बट दे आर पार्ट ऑफ सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार का पार्ट है, बट दे आर नॉट दी वर्ड्स ऑफ, और यू कैन से दीज आर नॉट वैलिड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और दीज आर नॉट मीनिंगफुल वर्ड्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट विल ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, वो भी आपका सिग्मा स्टार का ही एक सबसेट होगी जो आपकी लैंग्वेज में, इज दैट क्लियर, कि आप सिग्मा स्टार डिफाइन कर रहे हैं, सिग्मा स्टार इज कंटेनिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स, और जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज जो है वो हमारी इस सिग्मा स्टार का सबसेट होगी, तो अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसमें ए जो है वो दैट इज अ वैलिड वर्ड, बट बी इज नॉट अ वैलिड वर्ड, बी सी डी ये जो आपके हैं वैलिड वर्ड्स नहीं है, ए है, आप जब दो लेटर के वर्ड पर आएंगे तो आपको ए एन मिल सकता है, एन हो सकता है आपके पास, सो हो सकता है, इफ हो सकता है, तो दो लेटर के भी आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, बट दे आर जस्ट सबसेट ऑफ द ओरिजिनल सिग्मा स्टार, जो आपका सिग्मा स्टार है उसका सिर्फ सबसेट है ये, तो जो भी आप लैंग्वेज डिफाइन करते हैं लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार में सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लैंग्वेज में सारे कॉम्बिनेशन होने जरूरी नहीं, कुछ आप पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अपने लैंग्वेज में रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें वो लैंग्वेज की डेफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आप देखें ये लैंग्वेज थी इसमें ए डबल ए और डबल ए बी था, ये दूसरी और तीसरी लैंग्वेज हो गई आपके पास, इसमें लैम्डा है, ए बी बी ए है, बी ए बी ए है, डबल ए है, ए बी ए, पाँच छः एक साथ बना दिए भी, तो ये भी आपके पास एक लैंग्वेज होगी, सो इंडिया में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज डिफाइन करेंगे आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज डिफाइन करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ
सिग्मा स्टार। देखिए ये लैंग्वेज डिफाइन करिए, इन्फिनिट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज, अगर आप देखें तो लैंग्वेज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एन की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, यानी कि ये निगेटिव नहीं हो सकती, इट इज नॉट निगेटिव। देन एल में कंटेन, अगर आप एन की वैल्यू जीरो रख देंगे तो लैम्डा स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर आप एन की वैल्यू वन रखेंगे, प्लीज दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या लैंग्वेज आ जाएगी, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। अगर आप एन की वैल्यू वन रखते हैं तो ए की पावर वन, बी की पावर वन, यानी कि ए बी, अगर आप टू रखते हैं तो डबल ए, ए की पावर टू, तो दो ए हो गए, और बी की पावर टू, तो ये दो आपके पास बी हो गए। अगर आप कितना ही पाँच, ए की पावर फाइव और बी की पावर फाइव रखते हैं, यानी एन की वैल्यू फाइव रखते हैं, तो आपके पास ये लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक, तो जो आप डिफाइन कर रहे हैं, लैंग्वेज डिफाइन करने का मेथड आपका है, बट आप अगर इस कॉम्बिनेशन को भी देखें तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये भी आपका सिग्मा स्टार का ही सबसेट होगा। सिग्मा स्टार में ये स्ट्रिंग भी आपको मिल जाएगी। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो इस तरह से डिफाइन हो रही है, लैंग्वेज में सारी स्ट्रिंग जो है दैट विल बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन के लिए आपने ये लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन कर, दिस इज योर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज अपने आप में भी एक साइड होगी, एंड दीज आर सम स्ट्रिंग्स ऑफ दैट लैंग्वेज, सो दीज स्ट्रिंग्स आर सबसेट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, हम इसको जो एल कह रहे हैं, ये एल आपका इस डेफिनेशन से बना है, ठीक है। लेकिन आप सिग्मा स्टार की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज ए बी, और सिग्मा स्टार में सारी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, लैम्डा से लेकर लैम्डा ए ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन अप टू, आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इन्फिनिटी इसमें आप स्टार में कहाँ तक जा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ अक्रेंसेज हो सकते हैं, एनी मीन्स कोई भी आप जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक के आप अक्रेंसेज ले सकते हैं। तो इसमें पांच वाले भी, अगर जब आप पांच लेंथ वाले कैलकुलेट करेंगे या दस लेंथ वाले कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग भी इसी में आ जाएगी। सो आप कोई भी लैंग्वेज जो डिफाइन कर रहे हैं, लैंग्वेज इन इट सेल्फ आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो एल है, दिस इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं दीज स्ट्रिंग्स सॉरी सबसेट दिस इज सबसेट ऑफ जो आपकी लैंग्वेज है वो आपका सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार होगा। एट द मोस्ट कोई लैंग्वेज आपकी इस तरह भी हो सकती है, बट किसी केस में या इस केस में ये इस तरह का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि एल में सारी स्ट्रिंग्स नहीं है जबकि सिग्मा स्टार नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आपके पास ज़्यादा है। जैसे आप इस स्ट्रिंग को कंसीडर करें, इफ दिस इज योर स्ट्रिंग ए बी बी, एज पर डेफिनेशन दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू एल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू एल, इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि लैंग्वेज की डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ बी होंगे। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एज है, इट शुड बी फॉलोड बाई एन नंबर ऑफ बीज, एंड यू कैन सी हियर देयर इज ओनली अ सिंगल अकरेंस ऑफ ए बट देर आर टू बीज, सो यू कैन सी दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर, ये स्ट्रिंग आपने चेक करके देख लिया, ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं। आप और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो डिफाइन कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि हम कोई लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा इक्वल्स टू ए और बी, ये आपका सिग्मा हो गया, और लैंग्वेज की डेफिनेशन वी आर डिफाइनिंग
एल इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर आपने देखा ए टू द पावर एन टू टी पावर एन, आप कह सकते हैं आपके पास जो है वो लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी एंडिंग विथ सपोज ए बी, आप कह रहे हैं कि ए बी की कोई भी स्ट्रिंग है लेकिन ये एंड ए बी पर होनी चाहिए. सो यू कैन से, अब इसमें आप बस आपने लगा दिया उसमें रिस्ट्रिक्शन की ए बी पर एंड हो रही है, यानी कि इसमें सफिक्स जो है वो आपका ए बी, अगर सफिक्स ए बी है देन लैम्डा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. लैम्डा जो है वो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि लैम्डा के साथ भी आपको ए बी लगाना पड़ेगा. सो इट विल नो मोर बी अ लैम्डा. अब आप इस लैंग्वेज में देखिए क्या क्या आपके पास स्ट्रिंग्स आ सकती हैं. आप लैम्डा से स्टार्ट करिए कोई भी स्ट्रिंग ए बी की एंडिंग विद ए बी, तो अगर आप लैम्डा को कंसीडर करते हैं तो आपके पास सिर्फ ए बी रह जाएगा, ये स्ट्रिंग हो सकती है. अब आप कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं ऑल स्ट्रिंग्स, तो आप एक ए ले लें और एंडिंग जो है वो ए बी के साथ हो जाएगी, या आप एक बी ले लें और एंडिंग जो है वो ए बी के साथ हो जाएगी, या आप ए ए ले लें और एंडिंग जो है वो ए बी के साथ हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सफिक्स है वो हर स्ट्रिंग में ए बी है. तो आप इस तरह भी अपनी लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो स्ट्रिंग में आनी चाहिए, या आपकी एंड इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर होनी चाहिए. तो आप कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं बाइनरी, इसकी से भी आप बाइनरी कह सकते हैं, दो ही लेटर्स हैं. ठीक है, तो आपके पास एक लैंग्वेज है ए बी. ये आपके पास एक अल्फाबेट सेट है ए बी का और इससे आप लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं एंड दिस लैंग्वेज इज एंडिंग विद ए बी. आप जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के लिए भी ले सकते हैं. यू कैन से योर सिग्मा इक्वल्स टू 01 एंड एल इक्वल्स टू ऑल बाइनरी वंस, ये 01 की स्ट्रिंग्स, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स कंटेनिंग नंबर ऑफ फुल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज मदर लैंग्वेज. इसमें आपके पास कंडीशन क्या लगा दी कि जीरो और वन जो है वो बराबर होंगे. इसकी